आज मॉम द शेफ में बन रहा है भोकरे का अचार। इसे लसोड़ा, लबेड़े, लसूरा या गुंदे के नाम से भी इसे जाना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में इसे भोकर कहते हैं। ये अचार खाने में काफी टेस्टी भी लगता है और बनाना भी इसे आसान है। इसे एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। नमस्कार, मॉम द शेफ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम भोकरे का अचार बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो भोकर लिए है। तो मार्केट से जब भी आप भोकर लो ना, तो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और ये इसको आप दबा करके भी देख लें कि ये एकदम नरम तो नहीं है। अगर नरम होंगे तो हमारा अचार बहुत जल्दी से खराब हो जाएगा। तो इसके जो डंठल है उसको अलग कर देंगे, और जब इसको डंठल में से निकाल लेना तो इसकी केप ना निकाले, वरना इसमें पानी चला जाएगा और हमारा अचार भी खराब हो जाएगा। तो इसे सर भोकरे को हम डंठल में से निकाल देंगे और 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने भोकरे को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे कॉटन के कपड़े पर इसका पानी सूखने के लिए रख देंगे। जब तक के पानी सूखता है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सरसों की दाल ली है, यानी कि 1 किलो मैंने भोकर लिया है उसमें मैंने 250 ग्राम पीली सरसों की दाल ली है। तो इसको अच्छे से सेक लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो अचार है उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है वरना ये कड़वी हो जाएगी। अब 1 चम्मच यहाँ पर बड़ी वाली सौंफ ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग ली है, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो बारीक वाला सहा जीरा आता है ना वो लिया है। इसका अपना ही एक अलग स्वाद होता है। और यहाँ पर 1 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, जो काली वाली इलायची आती है ना, उसके दाने निकाल दिए हैं। अब इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इन सबका एक्स्ट्रा का जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ साबुत धनिया भी ले लिया है, इसे भी हम सेक लेंगे। जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आएगी तब तक के हमें सेकना है। अब ये देखिए इसको ठंडा कर देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, इसको भी सेक लेंगे। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है और इसमें से भी खुशबू आने लगी है। अब इन सबको अच्छे से ठंडा कर ले। अब ये ठंडा हो गया है। अब मिक्सी जार में इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। हमें बारीक नहीं पीसना है, इसको दरदरा पीसना है। तो इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और साबुत धनिया भी ठंडा हो गया है, इसको भी दरदरा पीस लेंगे। और यहाँ पर पीली सरसों जो हमने दाल सेकी थी वो भी इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच मैंने यहाँ कलौंजी ली है, कलौंजी को हमको नहीं सेकना है। और 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर नमक लिया है, अचार में नमक थोड़ा ज्यादा ही लगता है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, और 1 बड़ा चम्मच 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी ले ली है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच हींग ले लेंगे और इसे भी मिला ले। और यहाँ पर मेथी दाना भी ठंडा हो गया, इसको भी दरदरा पीस लेंगे और इसको भी इसमें मसाले में ऐड कर देंगे और मिक्स कर ले अच्छे से। तो ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ हमारे भोकर भी अच्छे से सूख गए हैं। इसको हम कट करेंगे, ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसमें से एक कट लगाएंगे और दूसरी तरफ से ऐसा कट लगाएंगे, मतलब ऊपर के भाग में ही हमें कट लगाना है। तो ये देखिए, और अभी हमने मसाले में तेल नहीं डाला है, इसको पहले कट कर लेंगे और सारे भोकरे को इसी तरह से हम कट करके चीरे लगा करके इसमें डाल देंगे मसाले में। तो ये देखिए इसके अंदर अपने आप ही मसाला चला जाएगा जब हम तेल डालेंगे तो, और जैसे ये सॉफ्ट होंगे तो इसमें अंदर मसाला चला जाएगा। वैसे कई लोग इसे बॉईल करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं बिना बॉईल के ही बना रही हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं।
आज मैं अपने तरीके से ये भोकरी का अचार बना रही हूँ, जो ये साल भर तक के आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी खाने की थाली में अगर आप रखोगे ना, तो चार चांद लग जाएंगे इस अचार से आपके। तो चलिए, अब अचार को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कैरी ली है। तो कैरी को भी अच्छे से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ ले, इसमें जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, ये पोंछ लिया है मैंने। अब इसको छिलटा निकाल देंगे इसका। केरी की खटास से भोकरे का अचार और भी टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी भोकरे का अचार नहीं बनाया है, तो मेरे तरीके से एक बार अचार बना करके देखिए, आपको काफी पसंद आने वाला है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये सारे केरियों के छिलटे निकाल दिए हैं। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो इसके टुकड़े भी कट करके डाल सकते हो अचार में। तो मैं यहाँ पर जो कद्दूकस कर रही हूँ ना, तो ये मोटा मोटा कद्दूकस कर रही हूँ। इसे जब मुँह में इसके लच्छे आएंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं ये खट्टे खट्टे से। तो देखिए कितना मोटा मोटा मैंने कद्दूकस कर दिया है ना। अब केरी को भोकरे में हम डाल देंगे, और केरी और भोकरे को पूरे मसाले में हम कोट कर देंगे। अभी हमने इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, हम तेल सबसे लास्ट में डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। भोकरी का अचार खाने के लिए हम गर्मी का काफ़ी इंतज़ार करते हैं, कब गर्मी आएगी और कब भोकरी आएंगे और कब हम इसका अचार बना करके एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये गर्मी में ही मिलते हैं। मतलब अप्रैल से मई तक के ये अच्छे से भोकरे मिलते हैं, उसके बाद में ये मिलना बंद हो जाते हैं। और जब कोई सब्जी पसंद में नहीं आती है, तो हम ये अचार के साथ में दो रोटी भी खा सकते हैं। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और एक दिन तक के इसको ऐसे ही पैक करके रखेंगे। अब दूसरे दिन देखिए, इसको खोल के देखते हैं, तो ये जो केरी का हमने चूंदा डाला था, उससे पानी छूट गया है उसका। तो ये देखिए कितना अच्छा अचार हो गया हमारा। अभी इसमें तेल नहीं डाला है, तेल सबसे लास्ट में डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, आप चीनी का लो या कांच का लो। कंटेनर को हमेशा साफ सुथरा रखें और उसमें किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार खराब हो जाएगा। आप धो करके उसको थोड़ी देर धूप में रख दें, तो इससे भी अचार अच्छा रहेगा। अब इसको बर्नी में डाल देंगे। देखिए मैंने सारा अचार बर्नी में डाल दिया है। और अब तेल को मैंने क्या करा, अच्छा गरम कर लिया और उसको ठंडा कर लिया, उसके बाद में हम अचार में डालेंगे। कभी भी तेल को मैं गरम गरम नहीं डालती हूँ अचार में, इससे क्या होगा कि अचार का जो कलर है वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और टेस्ट में भी थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो मैं इसलिए सारे मसालों को पहले सेक लेती हूँ, उसके बाद में तेल को गरम करके उसे ठंडा करके फिर डालती हूँ। तो ये देखिए, ये नीचे तक के बर्नी में जा रहा है ये तेल, ये देखिए। और कभी भी अचार को तेल में डुबा करके ही रखना चाहिए, वरना क्या होता है कि ऊपर अगर अचार के तेल के ऊपर रहा ना, तो इससे क्या फंगस लग जाएगी, इसलिए कभी भी अचार को तेल में डुबा करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये अचार बनाने का अनोखा तरीका पसंद आया हो, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में बने रहने के लिए आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद।